तो भेड़ियों ने एक समूह सभा आयोजित की, पर जब उन्होंने सुना कि उन्हें लड़के को गोद लेना है, सबको लगा ये मजाक है, क्योंकि उनके विचार में मनुष्य खतरनाक होते हैं। और जब समूह का राजा हिचकिचाया तो बाघ आया, उसने समूह के लिए एक हिरण लेकर आया। उसे चाहिए था कि वह लड़का उसके यहाँ उपहार के रूप में रहे, पर फैसला तो राजा का ही था। उसने लड़के की संघर्ष देखे, एक अनपेक्षित मेहमान आ गया, वह धर्म चक्रवर्ती शेर निकला, जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन। मानव ने उसके दाहिने पैर में घाव किया था। भेड़ियों का राजा जंगल का मालिक बन गया था। उसने दोनों मनुष्यों और भेड़ियों के राजा से घृणा की। वह खौफनाक शेर यहाँ लड़के के बारे में पूछने आया था, क्योंकि कुछ समय पहले उसने उसके माता पिता को मार दिया था और गलती से वहीं लड़का छोड़ दिया था। वह चीता ने बचा लिया और समूह में वापस ले आया। इस हैवान के अहंकार को देखकर भेड़ियों का राजा और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने लड़के को अपने पास ले जाने का फैसला किया और भेड़ियों को लड़ाई के लिए तैयार करने के आदेश दिया। भेड़ियों के आने की भीतरी पर देखते हुए शेर जान गया कि उसकी संख्या अधिक है। उसने बस यही कहना शुरू कर दिया कि वह एक दिन दक्षिण सागर का आहार बन जाएगा, फिर वह वहां से चला गया। ये शब्द भेड़ियों के राजा के लिए उत्तेजना थे। उसने घोषणा की कि आज से वह इस मनुष्य शिशु की सुरक्षा करेगा। बस भेड़ियों के राजा की सुरक्षा में यह लड़का जंगल में बढ़ा।